नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर की रेलवे पुलिस ने 65 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। यह युवक बुधवार को शताब्दी एक्सप्रेस से उत्तर प्रदेश के ललितपुर जाने वाले थे। शहर के माधोगंज इलाके में रहने वाले रवि लालवानी और पवन रावत इस सोने की खेप को लेकर ललितपुर से किसी ज्वेलर्स के यहां जा रहे थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर उन्हें प्लेटफार्म नंबर 1 से जीआरपी के जवानों ने पकड़ लिया। पकड़े जाने पर दोनों युवक इन आभूषणों से जुड़े कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके। उन्हें पूछताछ के लिए स्टेशन पर स्थित जीआरपी थाने लाया गया। दोनों युवकों ने खुद को एक ज्वेलर्स के यहाँ काम करने वाला बताया और यह आभूषण किसी दूसरे ज्वेलर्स के यहाँ ले जाने की बात स्वीकार की है। दरअसल जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना मिली थी कि दो युवक सोने की बड़ी खेप लेकर शताब्दी एक्सप्रेस से झांसी की ओर जाने वाले हैं। हुलिये के आधार पर पिट्टू बैग टांगे दो युवकों को रोककर उनकी तलाशी ली गई, तो बैग में 1800 ग्राम रेडीमेड सोने के आभूषण मिले, जिसमें 8 सोने की चैन, 9 नेकलेस, 222 टॉक्स, 11 चूड़ी, 8 पेंडेंट, 17 जैन सोने की अंगूठी, ए लिखे 5 ब्रेसलेट सहित दीगर सामान शामिल है। खास बात यह है कि मुखबिर की इस टिप के लिए जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में यह ऑपरेशन चलाया गया। आज हमें दिनांक 6 अक्टूबर को यह सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति एक पिट्ठू बैग ले जाके शताब्दी एक्सप्रेस से ग्वालियर से ललितपुर जा रहे हैं और उनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में सोना है। उस आधार पर जब हमने अपनी टीम को रवाना किया और दो संजोहलिया जो बताया गया था, उस आधार पर उस व्यक्तियों से पूछताछ की तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्हें थाने पर लाया गया, उनके बैग उनसे पूछताछ की गई, उनके बैग चेक किए गए तो लगभग 1800 ग्राम सोना उनके इस पिट्ठू बैग में एक मिला, जिसकी कीमत वर्तमान में लगभग 65 लाख होगी। वो सोना उनके पास से मिला। जब उनसे बिल मांगे गए, वैध दस्तावेज मांगे गए, तो वो देने में सक्षम नहीं हो पाए और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दे पाए। तो अभी इसकी सूचना हमने आयकर विभाग और जीएसटी को दे दी है और अभी जो भी आगे पाया जाता है उस आधार पर कार्रवाई की। करने वाले क्या है, क्या बैकग्राउंड बताया? ये एक सुधार की दुकान पर काम करते हैं जो व्यक्ति हैं जो ले जा रहे थे। साथ में एक और व्यक्ति भी पकड़ा गया जी, वो दोनों एक ही शॉप पे काम करते हैं। अभी क्या कार्रवाई की गई? अभी हमने माल जब्त किया है और सूचना दी है आयकर विभाग को और जीएसटी विभाग को, और जो भी इसमें आपराधिक संलिप्तता पाई जाती है, विभागीय अनियमितता पाई जाती है, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।